바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 Hey guys, welcome back to Dev Rajni Vlogs. मैं हूँ रजनी और ये है देव. तो हम अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं. आज हम लोग चल रहे हैं बेंगलोर के इस्कॉन टेम्पल, जो बहुत ही सुंदर और फेमस है. तो चलिए हम लोग चलते हैं इस्कॉन टेम्पल. गाइस, बेंगलोर का ये इस्कॉन टेम्पल राजाजी नगर एरिया में सिचुएटेड है. इस्कॉन टेम्पल की स्थापना श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की थी. इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन कहा जाता है. इस मंदिर का पावन भजन हरे रामा हरे कृष्णा है. ये मंदिर के बाहर का पार्किंग एरिया है और ये सामने इस्कॉन टेम्पल है. तो चलिए चलते हैं. और यहाँ पर शू रैक है, तो यहाँ शूज रख देते हैं. इसकी एंट्री फ्री है. तो गाइस, हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल. तो अब हम लोग चल रहे हैं एंट्री गेट की तरफ. आगे एंट्री गेट है और इस्कॉन टेम्पल में जाने के लिए कोई भी फीस नहीं है. स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पहुंचाने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी. इस मंदिर में दर्शन की टाइमिंग है 4:15 से 5:00 तक, 7:15 से 1:00 तक और 4:00 से 8:30 तक. पूरे विश्व भर में फैले बहुत ही सुंदर इस्कॉन टेम्पल भक्तों और यात्रियों के लिए महान आकर्षण का केंद्र हैं. यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, सब लाइन से जा रहे हैं अंदर. इस्कॉन के सदस्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने शब्दों और कर्मों को समर्पित करते हैं. वे भगवान कृष्ण को ही सबसे ऊंचा मानते हैं. तो गाइस, हम लोग यहाँ के मेन मंदिर में पहुँच गए हैं. यहाँ अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं से आपको दिखा देती हूँ. बाकी मैं दर्शन करने के बाद मिलती हूँ आपसे.
ये टेंपल के बाहर का एरिया है, यहाँ पर प्रसाद लोग खरीदते हैं, तो आप लड्डू, पेड़ा, जलेबी, इमरती, काफ़ी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और बहुत ही सुंदर टेंपल है अंदर, बहुत ही प्यारा। और ये कुछ खाने पीने की स्टॉल लगी है, तो भूख लगे तो यहाँ पर खाया पिया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं एग्जिट गेट की तरफ। एग्जिट गेट की तरफ ये सुंदर सा पूल बना हुआ है जो बहुत ही प्यारा लगता है। यहीं पर सामने मंदिर की तरफ से प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटी जा रही है, जो बहुत ही टेस्टी है, जो हमने भी ली और खाई, जो बहुत ही टेस्टी लगी हमें। तो गाइज ये है बेंगलोर का इस्कॉन टेंपल, जो बहुत ही सुंदर और बड़ा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।